आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में दमालू बनाने जा रही हूँ, जो कश्मीरी लोगों की फेमस डिश है। तो अब इस पहले दमालू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमने आलू लिए। दमालू बनाने के लिए क्या, अगर छोटे आलू होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहले हम ये आलू को बॉईल कर रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना, हमें इन सब आलू को पील करके रखना है। तो इन सबको पील अच्छे से करना है। अब आप देख सकते हैं ये सारे आलू मैंने पील करके रख दिए। अब इस टूथपिक से हम इसमें छोटे छोटे होल्स करेंगे, ताकि इस तरीके से होल करने, छोटे छोटे बहुत सारे करने, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से अंदर चला जाए। तो देखिए, अब इन आलू को हम फ्राई करेंगे, मगर क्या करना है, डीप फ्राई करना है आपको, नॉर्मल फ्राई नहीं चलेगा। तो ये मैंने रिफाइंड ऑयल में इनको फ्राई किया, मगर हमें जब बनाना है, इसमें मसाला डालना है, तो हमें पी मार्का में ही इसको बनाना है, क्योंकि पी मार्का में अलग ही टेस्ट आता है इसका। तो ये फ्राई हो चुके हैं आलू, तो इसके बाद हम अब मसाला डालना शुरू कर देंगे। मैंने जीरा डाला है, लौंग डाला है, हींग और थोड़ा नमक ऐड किया है। अब कश्मीरी लाल पाउडर मिर्च ऐड करेंगे, बट जब आप मसाला डालोगे तो इसको साथ में इसको अच्छे से मिक्स करो, ताकि ये जले ना। और थोड़ा सा पानी ऐड करना, इसमें सौंफ ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मसाला जलना नहीं चाहिए। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूंगा, ऐड करना और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप इसमें जब हम शादियों में या किसी फेस्टिवल में बनाते, तेज पत्ता और भी बड़ी इलायची वगैरह सब डाल सकते हो। तो इस टाइम मैंने इतना ही इसमें डाला हुआ दही, अगर आप अच्छे से और भी डाल सकते हो। अब इसमें आलू ऐड किए, अच्छे से मिक्स करना है, मगर आप किसी हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स करोगे। और अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और हम अब इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो भी मसाला हमने डाला है वो अंदर अच्छे से चला जाए इसमें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमारे ये दमालू रेडी हो चुके हैं, तो बहुत ही टेस्टी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।